ना ना चुप दरा मैंने कहा चुप नीचे आओ ना नीचे आओ ना भाईजान को पता चल गया तू अरे वो मेले में है तुम नीचे आ सकती हो तुम बात समझ नहीं रहे हो तबसुम का घर ना पास में ही है वो उन्हें छोड़ने अभी आते ही होंगे मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ वो भी मुझसे नफरत नहीं करेंगे ना तुम नीचे तो आओ नहीं आ सकती एक मिनट के लिए एक मिनट काफी रहेगा तो पूरे पहर के लिए पूरा पहर पूरा पड़ेगा पूरी सदी के लिए हमेशा के लिए नीचे आओ ना नहीं आ सकती अच्छा तो मैं ही ऊपर आ जाऊं जी अम्मी मेरी भतीजा बुला रही है मैं भी तो बुला रहा हूँ डरा ना बहुत धीरे बोलो समझा करो इसमें खतरा है मैं उनमें से नहीं हूँ हो क्या मतलब मेरे लिए नहीं हो मैं भी तो उनमें से हूँ हो क्या लेकिन मेरे लिए नहीं तुम तो मेरी जी अब मेरे अप्पा जान डरो वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं प्यार से मैं उनसे भी नफरत नहीं करता वो भी मुझसे नफरत नहीं करेगी बुलावे में मत रहना वो भी ना भाईजान जैसे ही मुझे एक बात बताओ ये लोग इतने खौफजदा क्यों हैं वो तो मैं भी हूँ तुम और खौफजदा इसीलिए रात के 11 बजे हमारी मकान की बालकनी से लटके हुए हो सच के तुम्हें खोने का खौफ है मुझे शायद असलम को भी वही खौफ होगा ना और अब्बा को भी यही ना मगर तुम्हें तो नहीं नहीं तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा हाँ सच कह रहा देखो मुझे देखती रहना देखती ना मैं भी नहीं तराना मैं कदम आ गई मैं अभी आती हूँ तुम यही रुकना सुनो मुझे अंदर जाना पड़ेगा मैं अपने यहाँ खड़ी नहीं रह सकती लेकिन क्यों मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो सब खौफजदा है हाँ मैं तुम तो नहीं हूँ मैं तो नहीं हूँ ये लोग मुझे लेकर ना बहुत सख्त है जाओ ठीक तुम कहती हो तो अभी जाओ मैं तुम्हें फिर कब देख पाऊंगी वहीं से बोलो कब जब भी तुम चाहो कल मैं तबसुम की दुकान पर मिलूंगी कितने बजे सूरज ढलते अच्छा खुदा हाफिज खुदा हाफिज सुनो तुम ना पीछे के दरवाजे से आना अच्छा पीछे के दरवाजे से हूँ मैं पीछे के दरवाजे सुनो धीरे बोलो धीरे बोल रही हूँ तुम्हारा नाम क्या है क्या तुम्हारा नाम क्या है आभास आभास का मतलब क्या होता है आभास मतलब एहसास एहसास चलो जल्दी आ वो घर पहुंच गई होगी ये उसके साथ ही था ना वो सिर्फ घर तक छोड़ने आया होगा घर में वो अकेली होगी ओफो घर में उसकी अम्मी है उसके अब्बा भी तो हैं वो लोग इस मुल्क को मुझसे बेहतर नहीं जानते तुम्हें इस मुल्क में उन्हीं लोगों ने पैदा किया है जना अब जमाना कुछ और था अब जमाना कुछ और है गलत फहमियाँ पाल रखी है अपने बारे में तुम तो इस मुल्क को जा नहीं सकते अजी ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान यहाँ पे लड़कियों को आजादी से जीने की इजाजत है इसलिए मुझे और ज्यादा खौफ है अच्छा और अगर वो पाकिस्तान में होती तो क्या खौफ नहीं होता शायद नहीं होता शायद क्यों लगाया लगाया नहीं लग गया अपने ये क्योंकि पाकिस्तान भी कभी हिंदुस्तान में ही था अब तो नहीं ना हाँ तो अब तो नहीं है और अगर कभी था भी तो तुम कैसे अपने आप को अपनी जड़ों से काट सकती हो मेरी जड़ें तो यही बनती हैं अच्छा तो फिर रख लो अपना नाम सुनीता अनीता
क्यों? तबस्सुम नाम के साथ क्या यहाँ नहीं रह सकते? खाली तबस्सुम नहीं, इसरत जहाँ आ रहा तबस्सुम वल्द अब्दुल रजा। मैं अफसर तबस्सुम। इसरत जहाँ आ रहा तबस्सुम वल्द अब्दुल रजा। जाओ जाओ, घुसपैठी है वो हमारे मुल्क में रिफ्यूजी। अरे तो घुसपैठ करना भी तो आप इसे सिखाए मोहतरमा। अरे हमसे घुसपैठ करने के तो सैकड़ों तैयार थे, वो तो जरा सा तुम पर तरस आ गया और हमारी देख रेख नहीं होती तो उड़ गए होते अब तक तो कहीं। ये बात तो है, देख रेख करना बखूबी जानती है। अब वो तो हमारे मुल्क की खासियत है जनाब। अब आपके इस मुल्क की खासियत से थोड़े बहुत वाकिफ तो हम भी हैं। दिलो दिमाग का खुलापन चाहिए हमारे मुल्क की खासियतों को समझने के लिए। अरे अगर वो होता तो यहाँ तो नहीं होते अब तक, पहुँच गए होते अमेरिका। अमेरिका, वाह वाह, किस जगह का नाम ले दिया। वैसे आपके लिए सबसे बाकी जगह वही है। ये बात तो है, वो जगह बनी हम जैसे मर्दों के लिए। हाँ हाँ, जैसे एक आधा चक्कर तो रोज ही लगाते होंगे वहाँ के। हाँ तो वो भी लग जाएंगे, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। देखेंगे देखेंगे। लेकिन तुम लोगों ने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? हाँ जरा घर का चक्कर लगाया। कैसी थी वो जब तुमने उसको छोड़ा? ठीक थी। असलम भाई, उसने सिर्फ उसके साथ बात की थी, उस पनीर के साथ। क्या नाम था उसका? आवाज क्या नाम है? असलम। और लगता क्या है? तीतर। बदसूरत भी नहीं है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो आभा जरूर खूबसूरत है। और करता क्या है वो? उस चाचा की दुकान में नौकरी। और तुम क्या करते हो? फारूक की दुकान में कारीगरी। हम फनकार तो हैं। वो जवाब भट्ट तो है। तो वही चली जाना उसी के पास। जा भी सकते हो। असलम मियां संभाल लो, तब वो तो कई काम से। वाह वाह, क्या दास्तान तैयार हुई है। यानी ये अकील मियां करे फारूक की दुकान में काम तो ये तो हुए फनकार, और वो आभास करे चाचा की दुकान में नौकरी तो वो हुआ नौकर। वो तो हुआ ही, वो तो हमें आज भी कीड़े समझते हैं। कीड़े नहीं, केचुए। उससे भी बदतर, अब्बा बोला करते थे अपने मुल्क के बारे में, ऐसा था वैसा था, आज आके देखे ना कैसा है। वही तो, आज तो बहुत ही बुरा होगा। नहीं है भाई जान, इससे पहले यहाँ से जाने की बात हमारे जहन में आई थी, लेकिन अब आती है ना। वही तो, अब तक तुम एकदम ताजा थे। और क्या, हमारी तो बाहें भी खुली हुई थी। हमारे तो वजूद खुले हुए थे। अबे तेरी तो पेट खुली हुई थी साले। अब एक बात तो तय, अब हमको यहाँ से जाने ही जाना है, बस ये सोचना है कि कहाँ। अभी तो आप अमेरिका जाने की बात फरमा रहे थे। हाँ तो वही से होता हुआ जाऊंगा। कोई शॉर्टकट मिल गया है क्या? हाँ वो भी ढूंढ लूंगा। और आप रहे ना अपनी इसी आलिशान टपरी में, और मेरे पास होगी एक और भी कई जरूरी जगह है जाने के लिए। चलो फिर निकलते। तुमने कहा था आज। अरे पापा कहा था, लेकिन कुछ और काम भी जरूरी है ना। जरूरी कामों का अंदाजा है मुझे। वो तबस्सुम, आज कोई झगड़ा नहीं होने वाला है, आज तो सिर्फ मिलना है। आने वाले झगड़े का दिन तय करने के लिए। जब सब कुछ जानती हो तो पूछती क्यों? गुंजाइश में शायद बहुत कुछ रुक सकता है। घंटा हो गया सामने के आते से निकले हुए, आज मिलना था कि नहीं? ताला ये अमिताभ बच्चन ताला क्या मारता है ताला, बमटी दे बहुत। ए क्या बम चीज है, कच्चे में घुसा उसके। अरे ये बोले तो ताला तिधर तिधर दुखता हो इतने। अबे बेटा जब वो अपनी लंगोट छटता हो तो तेरे जैसे 25 नीचे गिरते होंगे। अरे तो लंगोट हुआ जिन्ने भी मजा जरूर। अबे लंबाई देखिए उसकी, एक बार गिरा नहीं कि हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। एक बात तो है रे, मर्द है मर्द। तो मर्द है तो शादी कर लेना उससे। शादी? शादी तो मैं किसी के बाप से ना करूं, ऐसी समझ रखा है क्या? तो शादी करने के लिए और कैसी कैसी होना जरूरी है? छोकरी मत समझ लेना मेरे को, मेरा जो उल्टे हाथ पड़ता है ना तो अच्छी अच्छू की नाक से ट्रीट निकल जाता है। और इसे देखा, इसके जब सीधे हाथ का पड़ता है ना
तो अच्छे अच्छों के नीचे से पानी निकल जाती है। अरे अंटे की औलाद, अरे बताओ तुझे, तुझे शादी से ही दिक्कत है ना, तो मत करी बात खत्म। और वैसे भी तुझसे शादी करेगा कौन, पहला इसी तरह चला जा लगती है। बस करो साले, का वार्ड के ढेर को बुलाते क्यों? अरे बुलाता कौन है, बुला मरती है। चलो बेटा चलो, बहुत वक्त हो गया, चल अंटा। अरे बबुआ जाओ, और तू इधर देख, तू इतनी इतनी रात घर से बाहर रहती है, मेरे घर में कोई टोकने वाला नहीं है? पता इसका तो डर ही नहीं है, ये वो दूर लड़कियों के दादरवाद में रहती है। हाँ इतने 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 माँ बाप ने ना अलग अलग दादी से रहती है। हाँ और हम तेरी नहीं दारे हमारी ना टीटिंग है, टीटिंग क्या है? टीटिंग दादा, टीटिंग अतलब वगैरह के तार निपटना जो है। अच्छा निपटना है? कोई निपटना नहीं है चाचा, आज तो सिर्फ मिलना है। क्यों? जरा ये तय कर लेना चाचा कि वो चाकू से मरना पसंद करेंगे या खुकरी से। आजकल तुम लोगों को इसके अलावा और कोई बात नहीं सूझ रही? जो बात जरूरी है ना चाचा वही सूझ रही। खूब बड़ा कर रहे हो बेटा, सुना और अपने माँ बाप का। ए चाचा हो गया, हाँ बड़ा लिखना बिल्कुल छोड़ देना, इन्हीं खुराफातों में वक्त जाया करो। चाचा बोलो ना, मैं बस खूब नाम रोशन करो अपना, अपने खानदान का। ए चाचा बस, क्या मुझे आंखें दिखाते? अरे मैं भी वाकिफ हूँ इस वक्त से, मैं भी कभी तेरी उम्र का था अपने वक्त में। 25 बार दोहरा चुका हूँ ये बात चाचा, तुम मेरी उम्र के थे, मेरा बाप तुम्हारी उम्र का था, मेरे बाप का बाप तुम्हारी उम्र का था। अरे चक चुका हूँ सुन सुन के चाचा, थे तो थे, कोई ऐसा नहीं कि हम पे हाँ आज तो नहीं होना। अच्छा ये बुड्ढों को बात खोदने का खाली तो लगता है बेटा, कहीं मुझे अपने बच्चों की कब्र खोदने का मौका ना मिले। चाचा नमस्ते दीदी, राम राम। विलास है जी, अभी तक तो नहीं आया। तो कब तक आएगा जी? वो आता ही होगा, आप अकेले आए? हाँ। शबद नगर से इस वक्त? हाँ। काम करिए आप अंदर आइए। नहीं ठीक है, मैं उसका बाहर ही इंतजार करूँ। बाहर कब तक वेट करेगी आप, अंदर आइए। बैठिए ना दीदी। दीदी पानी नहीं दी, चाय दीदी फिर ले दीदी। चाचा को राम राम। सलाम। आवाज है दुकान पे? नहीं मिला, ये बंद करने का टाइम है। तुम कब आई? कहाँ से आ रही हो, घर से? हाँ। तुम इतनी रात को शबद नगर से अकेली आ रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर ये बात घर पे पता चल जाएगी तो? मैं पीछे से कूद कर आई। पीछे से कूद के आई हो? हाँ। इसी दिमाग खराब है तुम्हारा। और एक बात मैं बता दूँ, आज रात में नहीं रहूँगी, घर में पता चल जाए तो चल जाए। बात तो समझो, यहाँ पे कुछ नहीं होने जा रहा है, यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होने जा रहा है, हम लोग को बस क्या था वो होने जा रहा है। तुम लोग यहाँ किसलिए हो? निशी कुछ नहीं होने जा रहा है, हम लोग तो आखिरी वो क्या कुछ तो होने जा रहा है ना, यहाँ पे कीर्तन करने के लिए तुम सब इकट्ठे नहीं हुए? निशी कुछ नहीं होने जा रहा, हम लोग तो बस निशी देखो मैं तुमसे आखिरी बात कह रहा हूँ, तुम घर जाओ। नहीं विलास, विलास अब बंद करो ये सब, मुझे डर लगता है तुम्हें खोने का, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? मैं असलम से बात करती हूँ, एक बार बात करती हूँ। खूब कर चुके हैं हम लोग बात, उन लोगों को बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की आदत है निशी। बात करने का तरीका होता है, चलो कल मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ करीब के घर। अच्छा। फिर भी देखती हूँ कैसे नहीं सुनते वो तुम्हारी। अच्छा और क्या करोगी तुम?